वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शंकु से संबंधित सवाल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। और एक बात कहना है आप लोगों से कि आप लोग मेरा वीडियो देखबे करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए में है 6 मीटर स्क्वायर, बी में है 12 मीटर स्क्वायर, सी में 18 मीटर स्क्वायर, डी में है 24 मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में है इसलिए ऑप्शन दिया है। ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव बनाना एक ही तरीका से, ठीक ना, जैसे हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ देखिए एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा सतह का क्षेत्रफल हमको दिया 18 मीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, यानी कि जो एल होता है ना, एल जो है ई एल हमको कितना दिया है, यहाँ कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है, आर है, ये की दुगुनी है, यानी कि त्रिज्या आर जो है एल इसका दुगुना, यानी कि 2R कर देंगे, ठीक ना। तब कह रहा है कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि ई जो है ना इसका आधार का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिज्या मालूम कर लेंगे, त्रिज्या मालूम करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ हमको दिया है कि एल बराबर 2R, ठीक ना, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या जो कि आर ही है, ठीक ना, त्रिज्या आर की जगह आर ए रह जाएगा। कह रहा है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है, 18 मीटर स्क्वायर। तो शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण का हो गया। इसमें क्या करेंगे, पाई कोमन ले लेंगे, पाई और आर दोनों मिल रहा है तो बचेगा एल प्लस एगो आर यहाँ, ठीक ना। तो पाई का मान 22/7, आर की जगह आर ए इंटू एल, एल कितना है 2R प्लस R, R की जगह R है बराबर हमको दिया कितना है 18 दिया है। अब देखिए 22/7 R गुना 2R 1R क्या हो जाएगा 3R बराबर 18। तो 22/7 गुना आर गुना आर यानी कि 3R स्क्वायर हो जाएगा बराबर 18। जब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 18 भागा में है 7, गुना में चले जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, ठीक ना, यानी कि भागा में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कटाएंगे इसको के 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 6 × 11 = 22, यानी कि आर स्क्वायर बराबर बच गया 7×21/11, ठीक ना। अब कह रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार जो यहाँ होता है यहाँ एक ढक्कन टाइप का रहता है, यानी कि वृत्त टाइप का रहता है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना, वही लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना वही बैठाएंगे यहाँ, तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमको यहाँ निकला है कितना 21/11, पाई का मान 22/7, 21/11, 7×21/11 = 22, 3×6 m² क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर ही मेरा आंसर हो गया, ठीक ना।
जो कि ऑप्शन ए में दिया है 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में था इसीलिए ऑप्शन दिया है। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछे फिर भी बनाना इसी तरीका से है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।